नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक और न्यू वीडियो में। फिलहाल दोस्तों आज मैं देवघर का टॉप 3 दुर्गा पूजा पंडाल दिखाने वाले, जो कि पूरी तरीके से लगभग कंप्लीट हो चुका है। और ये पहला पंडाल जो आप देख पा रहे हैं, ये आपका बर्नवाल सेवा सदन का है, यानी कि हम लोग बर्नवाल धर्मशाला भी उसको कहते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं। काफ़ी भव्य पंडाल बनाया गया है, जो कि देवघर में काफ़ी अच्छा और काफ़ी आकर्षक केंद्र एकदम बना हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। अगर आप इस बार देवघर में घूमना चाह रहे हैं तो इस जगह पर आप जरूर जाइए, जो कि आप बिल्कुल देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अंदर में यहाँ पे जो है प्रतिमा भी बिठाया गया है, जो कि आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे घर बैठे। और आप लोग दर्शन कीजिए और जय माँ दुर्गा जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा, ठीक है। फिलहाल देख सकते हैं ऐसा नज़ारा है ये बर्नवाल धर्मशाला का, जो कि इस बार का अगर लागत का बात करें तो 10 से 12 लाख का यहाँ पे जो है खर्च वगैरह हो रहा है। यहाँ पे डंडिया कार्यक्रम भी होगा लगातार, जो कि यहाँ के जो सदस्य हैं उनसे जानकारी प्राप्त हुआ है। और देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत जो है यहाँ पे प्रतिमा भी बनाया गया है माँ दुर्गा की, देख सकते हैं आप लोग। और चलिए अब जो है यहाँ से बाहर का पूरा इंटीरियर मैं आपको दिखाते हैं किस तरह का यहाँ पे बाहर का पूरा डेकोरेशन किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं पूरा लाइट एकदम भी लगाया गया है चारों साइड। और ये सामने कुछ इस प्रकार ये पंडाल देखने को आपको मिल रहा है, जो कि काफ़ी गजब का ही दिख रहा है। और साइड में यहाँ पे पूरा बैरिकेडिंग किया गया है ताकि इसके अंदर में जो है आप एक साइड से प्रवेश करें। और इधर आपका जो है स्टेज वगैरह बनाया गया है, जो कि आप देख रहे हैं इधर यहीं पे कार्यक्रम वगैरह आपका होगा। और फिलहाल ऐसा जो है नज़ारा यहाँ का है। चलिए अब लेकर चलते हैं आपको यहाँ से दूसरा पंडाल की ओर। और ये पहुँच चुके हम लोग अभी बरमसिया, जो कि बरमसिया में भी जो है आपका काफ़ी भयानक पंडाल, इस बार काफ़ी भव्य पंडाल यहाँ पर बना हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत है। और फिलहाल यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कृष्णापुरी, ये टॉप 3 पे जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ 3रा नंबर पे चुका है। और ये मेन गेट है, यहीं से एंट्री होगा। और यहाँ पे ऊपर में देख रहे हैं पूरा गेट वगैरह बनाया जा रहा है और लगातार काम वगैरह जो है कंटिन्यू किया जा रहा है, यहीं पर थोड़ा लेट है। और आज अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं, मान के चलिए कि अब फिनिशिंग हो गया होगा, मैं ये पिछले दिन रिकॉर्ड करके आए थे। और देख सकते हैं ऐसा नज़ारा है यहाँ का कृष्णापुरी का, पूरा गेट वगैरह लाइट वगैरह जो भी है साइड में लगाया गया है। और ये काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी सब चीज़ में जो है टॉप 1 पे यहीं पे आता है देवघर का पूरा। अगर देखा जाए तो कृष्णापुरी जो है हर एक साल टॉप 1 पे दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर के और जो भी प्रतिमा वगैरह है सब कुछ टॉप 1 पे आता है। और इधर साइड में जो है कलर पेंट हो रहा है, इसी तरह आप लोग को जो है साइड साइड में देखने को मिलेगा, जो कि अभी काम वगैरह इधर कंटिन्यू चल रहा है कलर पेंट का, आप देख सकते हैं। और गजब का ही डिजाइनिंग यहाँ पर किया जा रहा है। और फिलहाल दोस्तों कृष्णापुरी पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं यहाँ का जो डेकोरेशन भी किया जा रहा है वो सारे चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिलहाल देख सकते हैं। और चलिए अभी बैक कैमरे के माध्यम से आपको सब कुछ अभी दिखाते हैं फिलहाल। और साथ ही आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये पंडाल के नज़दीक हम लोग आ चुके हैं और सामने देख रहे हैं काफ़ी गजब का ये बनाया जा रहा है, जो कि लगातार काम वगैरह इसका जारी है और काफ़ी खूबसूरत ये दिखेगा जब ये फिनिशिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोग इंतजार कीजिए, मैं यहाँ का जो है कृष्णापुरी का एक स्पेशल वीडियो दिखाएंगे आपको और अच्छे से जो है किस प्रकार ये कंप्लीट होने के बाद ये बेहतरीन लुक दिखता है। वृंदावन का जो प्रेम मंदिर है उसी के थीम पे बनाया जा रहा है। और इधर से आपको जो है प्रवेश मिलेगा, यहाँ से प्रवेश कीजिएगा। चलिए अभी अंदर चल रहे हैं और अंदर का डेकोरेशन जो है किस प्रकार किया गया है वो आपको दिखाएंगे साथ ही। और अगर आप फेसबुक के माध्यम से इस वीडियो का लुत्फ उठा रहे हैं तो पेज को जरूर आप फॉलो कीजिएगा। और देख सकते हैं ऐसा जो है इधर से प्रवेश करने के बाद आपको जो है यहाँ से पूरा माँ दुर्गा का जो प्रतिमा है वो दिखेगा। फिलहाल ये अंदर का डेकोरेशन जो है अभी कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। और ये सामने देख सकते हैं ऐसा पूरा डिजाइनिंग पूरा जो है किया गया इस बार का। और लाइट वगैरह फिलहाल अभी थोड़ा बंद है यहाँ पर, और जब यह पूरा चालू रहेगा लाइट तो काफ़ी गजब का ही डिजाइनिंग देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। इधर जो है माँ दुर्गा का जो अभी जो रोज नवरात्रि चल रहा है और पूजा वगैरह जो हो रहा है इधर साइड में हो रहा है, अब देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छा डेकोरेशन इस बार का अगर बात किया जाए तो काफ़ी अच्छा किया गया है, पूरा देख सकते हैं एकदम गजब का ही देखने को मिल रहा है पूरा। जब लाइट ये चालू रहेगा तो और अच्छा जो है क्वालिटी यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। और हर जगह पे जो है यहाँ पे CCTV कैमरा लगा हुआ है, आप जो है CCTV कैमरे की निगरानी में रहेंगे। फिलहाल ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, कोई चीज़ यहाँ पर अगर आप गलती करते हैं तो उसका जो है यहाँ पर पूरा जो यहाँ के कमेटी के सदस्य हैं वो देख रेख करते रहेंगे। फिलहाल आप ऐसा कुछ गलती ना करें। और देख सकते हैं ऐसा पूरा जो है चारों साइड का डिजाइनिंग है, जो कि मैं आपको हर जगह का दिखा रहा हूँ। और लाइट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा ही लगाया गया इस बार।
और यहाँ पर अगर खर्च का बात करें तो ये करोड़ से ऊपर ही लगता है। यहाँ पर हर एक साल जो है काफ़ी कुछ अलग अलग थीम पे यहाँ पे दुर्गा पंडाल बनाते रहते हैं, और इस बार भी जो है वृंदावन का जो प्रेम मंदिर है उसी थीम पे बनाया गया है। ठीक है, तो ये चारों साइड का डिजाइनिंग है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम कर करके, और लाइट वगैरह जो अभी इधर चालू है देख सकते हैं। और फिलहाल दोस्तों इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अगर आप देवघर में घूमने आते हैं तो कृष्णापुरी आप जरूर आइए, यहाँ पर मिस ना करें। बहुत ही अच्छे से जो है हर एक साल यहाँ पर डेकोरेशन किया जाता है, और देख सकते हैं हम लोग अभी पहुँच चुके थे और वहाँ पे देखा कि काम वगैरह जो है कंटिन्यू अभी चल ही रहा था। इधर भी जो है पूरा स्टॉल वगैरह लगेगा और साइड में डिजाइनिंग जो है वो अभी लगातार किया जा रहा है, और देख सकते हैं आगे में इसका जो है काम वगैरह कलर पेंट का हो रहा है। और इधर जो है जितना भी झूला वगैरह है वो भी लगना प्रारंभ हो चुका है, आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे जो है जंपिंग करने का इधर जो है सब कुछ है। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बिलासी, यानी कि कृष्णापुरी दिखाते हुए पहुँच चुके हैं बिलासी, और बिलासी का जो है ऐसा थीम बन रहा है जो कि गोल्डन टेम्पल के थीम पे, यानी कि आपको एकदम सोने का जैसा एकदम मंदिर दिखेगा यहाँ पे, एकदम देख सकते हैं वैसा ही थीम यहाँ पे है। हर एक साल काफ़ी अलग अलग थीम पे यहाँ पे जो है पंडाल आपका रहता है, और इस बार भी देख सकते हैं पूरा चारों साइड डेकोरेशन किया जा रहा है, और ये गेट वगैरह इधर लाइट वगैरह जो भी है सब कुछ लग चुका है फिलहाल अभी। सो दोस्तों आज मैंने आपको देवघर का टॉप 4 दुर्गा पूजा पंडाल दिखाएं, सबसे बढ़िया आपको कहाँ का लगा कमेंट करके आप बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए धन्यवाद।